हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और काकू फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। और ये भाई साहब, मैं सेंटा बना हुआ है, रेड रेड कलर का और ब्लू कलर का है, नीचे इसने डाल दिया वाइट। और गाइस, ये बिल्कुल भी मुझे कपड़े चेंज करने का मौका नहीं दे रहा। रीज़न क्या है? कर लो, टाइम है। हाँ। तो मैं नहीं कर रहा यार, अभी देर हो जाएगी, निकालनी पड़ेगी। जैकेट सारी अलमारी में पड़ी हुई है। तो गाइस, इसने बैठने नहीं दिया, सिर्फ मेरे को 10-15 मिनट का टाइम मिला है। अब हम जा रहे हैं, ये है इस टाइम, टाइम कितना हो चुका है, टाइम दिखा दो गाइस। जा रहे हैं कहीं पे, मिलेंगे वहीं पे। तो गाइस, 9:11 हो चुके हैं और हम जा रहे हैं कहीं पे, मिलेंगे आपको वहीं पे। कहाँ पे जा रहे हैं आपको बताएंगे। काकू बन गया सेंटा क्लॉस, सेंटा क्लॉस सेंटा है। कहाँ पे फंक्शन, वो पार्टी करके आया भाई आज? मैं नानी के, नानी के बच्चों के साथ क्रिसमस की वीडियो बना के आ जाता भाई। हमारे गाइस भी देख लेते। मैं क्या कह रहा हूँ, वो बस फटाफट से भाग रही थी उसने पार्टी, फोन लेके जाता तब तो बना था ना। अच्छा, फटाफट भागा था, फटाफट गुलाब आ गया ऐसे। क्या क्या खाया? चावनी चिली पोटैटो खाई, कोल्ड ड्रिंक बिस्कुट, नमकीन, पूरी चीजें। सेंटा क्लॉस बन गया और डॉली सेंटी क्लॉस बन गई है, बन के तैयार हो गई है। डॉली देख रही है इस गुस्से में। तो टाइम, तो गाइस टाइम देख लो, 9:15 बज गया, 9:20 हो चुके हैं। अब जा रहे हैं चर्च, ओपन होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं। काकू होगा जो होता है क्रिसमस वाले, क्रिसमस वाला दिन होता है। होता है जी, होता होगा, इसको पता होगा भाई, इसने देखा होगा कुछ। यहाँ पे देखो, टॉवल डालो उसमें बीच में। किस में टॉवल डालो? यहाँ पे टॉवल ले लो, गीला टॉवल मत रखो ना। ठीक है, ये रखो। चलो 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 चलो। तो गाइस हम आ चुके हैं, कैंडल मैंने ले ली है और हमारे, हाँ जी आइए, हाँ कैंडल ले ली। और गाइस हम आ चुके हैं चर्च में और सिर्फ टोकनी ली मैंने, 20 की 5 मैंने ली है, 20 की 10। तो गाइस अब जा रहे हैं अंदर, एंट्री हो रही है हमारी वहाँ, और बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर। बड़े सुंदर सुंदर सेंटा बने हुए हैं यहाँ पे लोग। आओ जी, डॉली जी आओ, डॉली जी आ जाओ, चलो। तो हाँ जी आ गए चर्च, देख बैलून पूरा रश लगा हुआ है यहाँ पर। और गाइस काकू ले ही आया और हम 10 मिनट में पहुँच गए यहाँ पर, है ना। तो गाइस हम अब डॉली जी कैंडल की लाइन जा रही है एकदम, और बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पर, रश देख लो आप। गाइस इस टाइम तकरीबन 9:30 बज गए हैं ना, 9:30 सारी यहीं पे चलाने हैं, सब यहीं पे चलाने हैं। तो गाइस काफ़ी रश है यहाँ पर और हम यहाँ आ चुके हैं यहाँ पर। बाहर भी बहुत रश है डॉली। तो गाइस काफ़ी लोग हैं जो कैंडल जला रहे हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। मम्मा कहाँ हैं? कहाँ कैंडल लग गई है? कोई बात नहीं, अभी तेरे को किसने कहा था अंदर जाने के लिए, इतना रश थे कितना और है। प्रोफेशन हमारा चल रहा है और काकू जी अच्छे लगे आके, ठीक है। अब आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई ना, आ चुके हो और सुबह से। और बहू जी आप कहाँ जाने की तैयारी है? कहाँ पे जाने की तैयारी है? तो भाई बहुत सुंदर सजाया हुआ ये चर्च, और देख लो आप कहाँ पे जाना है। आप ले जाओ कुछ खाने के नाम से। देखो आप, देखो देखो, यीशु मसीह जब जन्मे थे ना, यीशु मसीह जी। तो गाइस ये देखिए आप, और जैसे यीशु मसीह जी हाँ जी, हाँ जी लेट की इतना सुंदर सजाया हुआ ना चर्च को, बिल्कुल ये बस क्लास मस्त सजा हुआ है। और रश देखो बाहर लोगों का, हजूम देखो
कितना है? आप भी टोपी ले लेते डॉली? नहीं नहीं कोई बात नहीं है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लोग लगा हुआ फोटो सेशन करने के लिए। चले कुछ है अंदर? नहीं कुछ नहीं है, मना करेंगे, वहाँ पर नहीं जाना। नहीं नहीं जाना वहाँ पर बाबू, आ चुके थे बस, टाइम हो चुका है, अब यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है। डॉली कहने वाले भैया पीछे, इनका भी चैनल है हनी आर के नाम से, पीछे बैलून बांट रहे हैं बच्चों को, और हमें काकू को भी बैलून मिल गया है और उनके चैनल पर भी हम आ गए हैं। बस हम चलते हैं सीधा घूमने के लिए थोड़ा सा बाहर। तो गाइस काकू ने फरमाइश कर दिया ये चर्च है सामने, और चर्च के एग्जैक्ट सामने जो है शॉप है, किस चीज़ की शॉप है, और काकू का दिल कर रहा है, भाग रहा है, ये देखो फटाफट भाग रहा है। मेरी चाय, चाय वाले के पास चाय जाने हैं, चाय पीने के लिए, और चाय पियेंगे इतनी रात में, मेरी वाली चाय। डॉली जी, जी मेरी वाली चाय पीने के लिए हम जा रहे हैं, मेरी वाली चाय, मेरी वाली चाय, पुश करो। तो गाइस आ गए हम मेरी वाली चाय पीने के लिए। तो गाइस काकू आ गए अब चाय पीने के लिए, हमने चाय ले ली है, गुड़ वाली चाय ले ली है, कटिंग चाय ले ली है, ठीक है, एक बंद मस्का, ओके। तो ऑर्डर हमने दे दिया है और काकू पी रहे हैं। काकू कौन सी चाय है? कटिंग चाय। डॉली और मैंने लिया गुड़ वाली चाय, कुल्हड़ वाली, एक बंद मस्का, और एक काकू ने लिया है वेज टाकोस, वेज पफ लिया है, ठीक है। अब हमारा ऑर्डर आने वाला है थोड़ी सी देर में, फटाफट सामने चर्च है, चर्च में दिखा देता हूँ आपको, वो देखो पीछे गाइस चर्च है एकदम, बिल्कुल चर्च के सामने बैठे आ गया है। काकू का बैच पफ आ गया है, बंद मस्का, बंद मस्का है, कटिंग चाय है, गुड़ वाली चाय है, मस्त आ गया है, बंद मस्का है और गुड़ वाली चाय है। काकू को गया हुआ अभी आ रहा है डिनर करने को, और ये भाई सब चाय पिला रहे हैं, चाय पी रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं, बताओ डिनर करने का टाइम है, और टाइम घर में चाय पी नहीं रहा और बाहर आके ये चाय पी रहे हैं। हाँ जी सेंटा क्लॉज बाहर खा लिया, पैटिस खा लिया, वेज पैटिस ले लिया इसने, और बस अब जाएंगे सीधा घर। अब टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा, 10:30 के करीब हो चुके हैं, अब घर जाके करेंगे डिनर, डॉली पहले साथ खेल। गाइस चाय हमने पी लिया बाहर, अब बहुत ज़्यादा ठंड, और वो देखो पीछे सामने चर्च है एकदम, और ये कटिंग चाय यार पी लिया, चाय गुड़ वाली चाय, गुड़ वाली चाय ये चाय वालों से पी है, और मेरे को तो इतना, मेरे को घर में गुड़ डाल के बना के तुम्हें पिलाऊंगी क्या? तो गाइस इससे भी टेस्टी चाय हम घर ही बना लेते हैं। ये तो काकू के पीछे है, मेरे को ये चाय लेनी है, मेरे को वो चाय लेनी है, सच में कितनी टेस्ट होगा पता नहीं मेरे को, तो मुझे नहीं पसंद आया अभी, इतनी कॉस्टली चाय और पसंद भी नहीं है मेरे को, तो गोलगप्पे खाना था, मैं चाय पिला दी। चलो अब गोलगप्पे खिलाते हैं, बस जा रहे हैं, अब तो गर्म चीज पी ली, अब क्या गोलगप्पे, अब सीधा जाएंगे हम घर, और देखते हैं रास्ते में कहीं रुके तो फिर आपको जरूर दिखाएंगे क्या क्या। डॉली कितना रश है, मैंने कहा अभी भी कितना रश हो रखा है ना, बस चले हम बैलून चले जी काकू अब चले। तो गाइस रास्ते में से आ गए हम मासी के घर, मासी हमें दे रही है गिफ्ट, हमने तो गिफ्ट दिया नहीं है इसको, आज मासी iPhone 15 लेकर आई है, आपने देख लिया होगा स्कॉर्पियो सार्थक वाले चैनल पे, और मासी इसी खुशी में हमें दे रही है कुछ खाने के लिए, फटाफट सार्थक के लिए कुछ स्पेशल डिश बनाई है मासी ने, मासी की फ्लोर वो रही ऊपर। गुड आफ्टरनून, हाँ जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, आ गए हो? हाँ जी। आजकल सुबह सुबह गुड मॉर्निंग नहीं करते, ठंड होती है, बोलने का दिल नहीं करता, काम कुम कराया सारा? ड्रेस दे दी है? हाँ ड्रेस दे दी आज। मैम कुछ कह रही थी? नहीं मैम ने नाम लिख के ले ली ड्रेस। ले ली है? हाँ जी। चल ठीक है, हिंदी के मार्क्स आए हैं? हाँ। कितने? 21 आए। 20 कितने में से? मेरे 25 में से। 25 में से, चल ठीक है, 4 नंबर खा गया, हिंदी में वैसे नहीं पूरे आते यार किसी के, मात्रों हाँ, चल ठीक है कोई बात है। हाँ बोलो लगा देना। अच्छा इधर देख ले, सीधा कैप लगा दे गोलू, कैप लगा दे, लगाई हुई थी सेंटा क्लॉज की, हॉस्पिटल क्या किया आज छुटके ने, वापस करवा दियो तो 800 रुपए के कार्ड में से बिना पूछे इसने, मैंने वापस करवा दी बेटा, करवा दी बाबू, मेरे को नहीं पसंद, मैंने वापस भाई नहीं, इतना बाबा ने मना कर दिया, ये कार्ड है, कार्ड के इतने पैसे ये इधर रखना, क्या करना है। डॉली अभी कर रही है काम। हाँ जी गुड आफ्टरनून, वो गिर जाओगे नीचे, तेरी सीढ़ी लाके रुको। गुड आफ्टरनून गाइस, काम कर रही हूँ, धीरे 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 सारा सामान लगाना करना ना, फिर किचन में सारा सामान करना। और डॉली हाँ जैसे बात हुई थी ना, हाँ कल बात हुई थी तो मतलब सही है, तबीयत वगैरह ठीक थी ना उसकी, मैं तो था नहीं ऑनलाइन। हाँ जी बिल्कुल, थोड़ी देर बैठ के खेल रहा था ना तभी वीडियो कॉलिंग कर रहे थे बेचारे का, पहले चीना ने वीडियो कॉलिंग कर रही थी ना गोलू, तो चीना फटाफट ऊपर ले गई थी कि चाचियों से बात करवाने। तो अगले का क्रिसमस पहला और उसका जन्मदिन हॉस्पिटल में बीता है, चलो कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, भगवान करे जल्दी आ जाए, फिर भी
क्रिसमस वगैरह हर चीज बंदा बना। तो गाइस आप लोगों ने बहुत दुआएं की हैं, मतलब बहुत प्रार्थनाएं की हैं, थैंक यू सो मच। बस एक दो दिन में, मतलब हो सकता है कि आज आ गया हो, एक दो दिन में आ ही जाएगा घर पे, ठीक है। एक बार पता कर लेना भाभी से, अभी मैं पता करता हूँ, फोन करके पता करता हूँ। तो गाइस थैंक यू सो मच, और बस इसी के साथ हम काकू फैमिली ब्लॉग का कर रहे हैं एंड, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय बाय।